बेहतर खबर यह है कि कोरोना के क्षेत्र में मध्य प्रदेश लगातार सुधार हो रहा है। आज कुल 453 प्रकरण पूरे मध्य प्रदेश में आए हैं, जबकि जो लोग ठीक होकर गए हैं उनकी संख्या 1030 है। मध्य प्रदेश में आज एक्टिव केस कुल 7071 ही बचे हैं। वहीं अगर हम संक्रमण दर देखें तो वह 1% भी नहीं, आधा प्रतिशत हो गई है, -5 हो गई। रिकवरी रेट अब 98% से ऊपर निकल रही है, 98.02 हो गई है। 9 जिले ऐसे हैं जिनमें कल कोई प्रकरण नहीं आया, उसमें दतिया भी शामिल है। सर, सचिन पायलट जहां से वादा किया था 10 महीने हो गए, लेकिन मैंने भी पढ़ा आदरणीय सचिन पायलट जी का दर्द। कांग्रेस की संस्कृति ऐसी है कि जमीनी कार्यकर्ता की वहां कोई कद्र होती नहीं है। वो उनकी पार्टी है, मुझे कुछ नहीं कहना है, पर आपने पूछा है तो मैं ये कहूंगा कि ये संस्था पूरी की पूरी एओ होम से ही चली आ रही है यहां तक, सोनिया जी तक। कल कैबिनेट में फुट डालो और राज करो, ये कांग्रेस की बात है। सर, कैबिनेट की ब्रीफिंग नहीं थी बताई जा रही सर, तमाम अखबारों में भी आज खबर है। भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई नाराजगी नहीं है, पूरी, मैंने कल भी कहा था आज भी कह रहा हूं, पूरी पार्टी शिवराज सिंह जी और बीडी शर्मा के नेतृत्व में एक साथ खड़ी हुई है। सर, सुनाई तो ज्यादा बीडी शर्मा जी मनाने भी आए थे सर। नहीं, गलत खबर है वो। सर, कमला जी ने एक ट्वीट किया जो है, लगभग 6 साल से शिवराज जी की टीम में, लेकिन 6 साल से वो विरोध भी कर रहे हैं, क्या मायने निकाले इसके? चूंकि उन्होंने कल स्वयं ने ही कह दिया है, इसलिए वो विषय अब समाप्त हो गया, उसमें कुछ बचा नहीं है ज्यादा। बीजेपी ने कार्यसूची जारी की है और कईयों की गलत जाती है, वो अलग अलग विषय हैं। टंकण की भी त्रुटि हो सकती है और अलग हो सकती है, पर जो आई फाइनल वो सही है। सर, क्या रणनीति है भोपाल की और इंदौर की? भोपाल, इंदौर और पूरे मध्य प्रदेश में हमारे क्राइसिस मैनेजमेंट जो ग्रुप हैं वो स्थानीय स्तर पर सभी जनप्रतिनिधि बैठकर कलेक्टर साहब के साथ में स्थानीय स्तर पर निर्णय ले सकते हैं। संध्या जी आ रहे हैं कि जनता और किसान कर्मचारियों के लिए संध्या जी सड़क पर आना चाहिए। कांग्रेस को पूरी कोई सड़क पर ला दिया उनने तो, और वो क्या कहेंगे। सर, कांग्रेस पर आ रहा है वैक्सीनेशन को लेकर कि पहले जो था वो अभी मोदी जी ने क्या नया किया, पहले भी अच्छा, वैसे वो और क्या ट्वीट करेंगे, मुद्दे तो अब बचे नहीं उन पर। अब इसी में से प्याज के छिलकों की तरह उतार के कुछ संभावना ढूंढते रहते हैं। सर, वैक्सीनेशन मोदी ने जी ने तो वो कर दिया जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। सर, वैक्सीनेशन उनके मनमोहन सिंह ने क्या किया था ये सोचें। पी कमला जी ने ट्वीट किया है, उन्होंने ये कहा है कि मध्यप्रदेश में लगभग 15% जो है एक डोज लगे हैं, और ऐसे में अगर अनलॉक किया जा रहा है तो बड़ी चुनौती है सरकार के सामने, फिर इसको विचार कर लेना चाहिए। सरकार हर चीज पर विचार करने के बाद ही निर्णय ले रही है, मुख्यमंत्री जी स्वयं समीक्षा करते हैं, चाहे वो वैक्सीनेशन की समीक्षा हो चाहे कोरोना की समीक्षा हो, हर समीक्षा को वो खुद करते हैं। कमलनाथ जी, थोड़ी कांग्रेस की भी चिंता कर लो, राहुल भैया की स्थिति क्या है, बाकी कांग्रेस की स्थिति क्या है, तो ज्यादा अच्छा है। 24 घंटे भाजपा की ही चिंता करते रहते हो, यहाँ चिंता करने वाले पर्याप्त हैं। वैक्सीन देखिए, अब प्रधानमंत्री जी ने नई तारीख 21 तारीख की कही है, योग दिवस वाली, जब तक थोड़ी बहुत ऊपर नीचे की स्थिति हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी आज वैक्सीन आ रही है, उसकी पूर्ति होगी। नाराजगी जैसा तो कोई प्रश्न ही नहीं होता है, प्रजातांत्रिक तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी उसको चलाते हैं, और इसलिए सब उनके साथ एक है। सुझाव अगर कोई देता है उसको आप नाराजगी कहो,
वो पूरी कोशिश करते हैं कि ये मध्य प्रदेश की कैबिनेट प्रजातंत्र बहुत प्रोत्साहित करते हैं। कमलनाथ जी की थोड़ी है कि चलो 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 चलो, ऐसे कमलनाथ जी कहते रहते थे अपने विधायकों मंत्रियों से, ऐसा नहीं है। सारगर्भित चर्चा होती है। सर, 11 जून को कांग्रेस डीजल पेट्रोल को लेकर प्रदर्शन करेगी पूरे प्रदेश में। वो कांग्रेस पेट्रोल डीजल को लेकर प्रदर्शन कर रही है, जिसने कि घोषणा पत्र में कहा था कि हम डीजल पेट्रोल के दाम कम करेंगे, सरकार में आए थे और कमलनाथ जी ने आते ही डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए थे। वो किस उससे कर रहे हैं ये प्रदर्शन? जनता को क्या वो ऐसे समझते हैं कि जनता समझती नहीं है? वो चाहे डीजल पेट्रोल की बात करें, चाहे किसान की, 15 महीने में पूरी कलई खुल चुकी है कांग्रेस की। उन्होंने भी बढ़ाए, सभी के बढ़ाए हुए हैं वो। अब क्या करेगी, क्योंकि आम आदमी के लिए भारतीय नहीं, यहाँ प्रदेश स्तर पे उसका निर्णय थोड़ी होना है।